दोबारा से। हाँ जी, अरे ए मानव तू कर्म किए जा और कर्म किए का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। ए मानव तू कर्म किए जा, कर्म किए का फल मिल जा। अर्पण कर लिया एक हाथ के द्वारा और दूसरे हाथ में एक कंगन निकाल करके दे दिया। उस कंगन को देख करके उसके मन में लालच आया और एक राजा के पास गया कि कहीं मुझे इनाम मिल जाएगा। लेकिन राजा ने फांस दिया उसको, कैसे कि इस कंगन के जोड़ का दूसरा कंगन ला करके दे, नहीं तो तेरा सारा कुटुंब कोल्हू में पिलवा दूंगा। अब तो बड़ा परेशान हुआ और बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। घूमता रहा फिरता रहा लेकिन कोई तोड़ नहीं मिला, उस बात का कोई जवाब नहीं मिला। हार करके वो उस संत के चरणों में जा गिरा। कौन? रविदास महाराज के चरणों में जाकर के कहने लगा, महाराज आपने तो मुझे ऐसा फंसा दिया कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं।
संत महात्मा ने बतलाया कि बेटा घबराने की बात नहीं, जा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे कहते हैं कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, और जिस खटोटी में वो चमड़ा भिगोते थे उसमें से कंगन निकाल करके दे दिया। उस वक्त की कहावत है ये कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा, ये है क्रम। और कैसे बताया, एक कर्म किया था रविदास ने गंगा की पाई। आज तक किसी की बिगड़ी ही नहीं, ये तो एक महज ख्याल है, किसी की औलाद नहीं बिगड़ती। अगर अपने संस्कार खराब हैं, अपने कर्म खराब हैं, अपने नियम मर्यादाएं टूटी पड़ी हैं, तो संतान भी वैसे ही चलेगी। कहते हैं कि माँ पे भूत पिता पे घोड़ा, गाढ़ा नहीं था थोड़ा थोड़ा। और कैसे चौथी बात मैं बता दिया पंडित जी ने, एक कर्म ते गुरु हो, कर्म ते गुरु, कर्म ते चेला, कर्म ते पूर्ण ज्ञान मिले, कर्म ते पूर्ण ज्ञान मिले। ओ कर्म ते गुरु, कर्म ते चेला, कर्म ते पूर्ण ज्ञान मिले, कर्म ते पूर्ण ज्ञान मिले। हरेक कर्मों का फल पड़ेगा भोगना, कर्मों से संतान मिले, कर्मों से संतान मिले। ओ कर्मों का फल पड़ेगा भोगना, कर्मों से संतान मिले, कर्मों से संतान मिले। श्री लक्ष्मीचंद भगवान मिले, लक्ष्मीचंद भगवान मिले, जैसे तुम बीच में चलने
जंगल बस्ती बस्ती गाता जाए बंजारा लेकर घर में एक तारा लेकर घर में एक तारा लेकर घर में एक तारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय।